हेलो स्टूडेंट्स, पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हीट कैसे मेज़र करी जाती है और हमने थर्मामीटर के टाइप्स भी पढ़े थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मतलब हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट में एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे हम किचन में कोई बर्तन या यूटेंसिल या फ्राई पैन कुछ भी गर्म करते हैं तो गैस पर रखते ही उसकी फ्लेम से वो गर्म हो जाता है, बहुत तेज़ गर्म हो जाता है। उसके बाद अगर हम उस गैस को बंद कर दें तो धीरे धीरे थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाता है। तो हीट कैसे आती है, कैसे गर्म होता है और कैसे वो ठंडा भी हो जाता है, हम इसमें पढ़ेंगे। तो जब हम गैस चलाते हैं तो हीट जो है वो फ्लेम से यूटेंसिल में ट्रांसफ़र हो जाती है, पार्टिकल टू पार्टिकल, ठीक है। और उसके बाद जब उसको हम ठंडा करते हैं या गैस बंद कर देते हैं तो वो धीरे धीरे ठंडा होता है, तो वो हीट कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र हो जाती है। इस तरह से वो यूटेंसिल कूल हो जाता है। इसमें सबसे पहले हम एक्टिविटी पढ़ेंगे, इस एक्टिविटी से बेटर समझ में आएगा कि क्या होता है। वैसे इस प्रोसेस को हम कंडक्शन बोलते हैं, जो जितनी भी सॉलिड में जो हीट पास होती है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। तो इस कंडक्शन को हम और अच्छे से समझने के लिए ये वाला एक्सपेरिमेंट देखेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है कि एक हमने रॉड ली है आयरन की या एल्यूमिनियम की, उसमें हमने जो वैक्स होता है, वैक्स की ड्रॉप्स पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमने उसमें लगा दिए हैं और उसको एक स्टैंड से, अगर स्टैंड नहीं है तो हम ईंट से उसको दबा देंगे एक साइड, और दूसरी साइड हमने कैंडल रख दी है। अब ये जो आयरन की रॉड है वो हीट अप होनी शुरू हो जाती है। अब हमने कैंडल तो इस कॉर्नर पे रखी है, लेकिन जो हम देखते हैं कि धीरे 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 जो हीट है वो आगे जा रही है और जो वैक्स की ड्रॉप्स हैं हमने रखी थी वो नीचे गिरने लगी है। तो कैसे एक कॉर्नर पे हम हीट दे रहे हैं लेकिन हीट आगे ट्रांसफ़र हो रही है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है और धीरे धीरे ये सारे वैक्स नीचे गिर जाता है। तो ये हमने पढ़ा सॉलिड में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है, सॉलिड में जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। मटेरियल दो तरह के होते हैं, एक तो कंडक्टर्स और दूसरे इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं, जैसे मेटल्स, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, ये सब क्या हैं, कंडक्टर्स। और इसके अपोजिट अगर हम इंसुलेटर देखें तो इंसुलेटर कौन से होते हैं, जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते, जैसे प्लास्टिक है, रबर है, वुड है, इस तरह से ये होते हैं इंसुलेटर। ये देखिए, ये बीकर में कुछ मटेरियल्स रखे हुए हैं, जैसे पेंसिल है, स्केल है, इरेजर है, पेन है। तो हम इसको देख के और इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि कौन से कंडक्टर्स हैं और कौन से इंसुलेटर्स हैं। हीट जो है वो हमेशा हायर से लोअर की तरफ, या हम कह सकते हैं हॉटर से कोल्डर की तरफ फ्लो होती है। जैसे अभी एग्जांपल में आपने देखा, इस वाले एग्जांपल में, कि जहाँ पे कैंडल हमने जलाई है वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होनी शुरू हुई, पार्टिकल एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में। तो सॉलिड में एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ही हीट ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि सॉलिड की अपनी पर्टिकुलर एक शेप होती है, ठीक है। तो सॉलिड की जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर नहीं जा सकते, अपनी जगह पर रह के ही वो हीट को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे कैंडल है वहाँ का जो पोर्शन है वो गर्म हुआ, उसके बाद वो आगे हीट ट्रांसफ़र होती चली गई। तो हीट जो है वो हॉटर से कोल्डर की तरफ ट्रांसफ़र होती है, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की प्रोसेस सॉलिड में नहीं होती है, लिक्विड और गैसेस में होती है। जैसे हमने इसमें ये प्रैक्टिकल है, ये हम सेटअप करेंगे, बर्नर है, ट्राईपॉड स्टैंड है, वायर गॉज है, और बर्नर को हमने जलाया है और उसके ऊपर हमने एक फ्लास्क रखा हुआ है, उस फ्लास्क में पानी भरा हुआ है। जब हम नीचे से गर्म करते हैं पानी को, तो नीचे का पानी यहाँ पे क्या, अभी मैंने बताया था कि जो हीट है वो हॉटर से कोल्डर की तरफ जाती है, तो हीट नीचे वाटर को गर्म कर रही है ना। अब वाटर के पार्टिकल्स जब गर्म होते हैं तो वो लाइट वेट के हो जाते हैं, और लाइट वेट होने की वजह से वो टॉप पे चले जाते हैं, और ऊपर के पार्टिकल्स जो होते हैं वाटर के, वो कैसे होते हैं, वो अभी कूल हैं, कूल होने की वजह से वो नीचे हैवी होते हैं। जो कोई भी चीज़ अगर वो गर्म है तो उसका वेट लाइट हो जाता है, अगर वो ठंडा है तो उसका वेट हैवी होता है। तो जब नीचे वाटर के पार्टिकल्स गर्म हो रहे हैं तो उनका वेट कम हो गया, वेट कम होने की वजह से वो ऊपर चले गए, और जो ऊपर के पार्टिकल्स हैं वो ठंडे हैं, कूल हैं, तो वो हैवी हैं, हैवी होने की वजह से वो नीचे आ गए। तो इस तरह से गर्म पार्टिकल्स का ऊपर जाना और कूल पार्टिकल्स का नीचे आना, इस तरह से लिक्विड में प्रोसेस चलती रहती है, और इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। एक्टिविटी 4.9 में हम देखते हैं कि कैसे कैंडल्स में कन्वेक्शन होता है एयर के थ्रू। हमने एक कैंडल जलाई, एक हैंड हमने साइड में रखा है कैंडल के और एक हैंड हमने ऊपर रखा है, ये देखिए है ना। तो साइड वाला जो हैंड है वो गर्म नहीं होता, उसके आस कैंडल के चारों तरफ का एटमॉस्फेयर गर्म होता है, लेकिन जो गर्म एयर जो गर्म हो रही है कैंडल की वजह से वो ऊपर जाएगी, क्योंकि उसका वेट लाइट हो जाएगा। तो साइड में जो हैंड है वो गर्म नहीं होगा, लेकिन कैंडल के ऊपर जो हैंड है वो एकदम गर्म होगा, जलने लगेगा। तो यही एयर में कन्वेक्शन की प्रोसेस होती है। जो लाइट वेट के पार्टिकल जो गर्म हो जाते हैं वो लाइट वेट के होते हैं एयर के, और वो ऊपर चले जाते हैं। ऊपर के पार्टिकल जो होते हैं वो कूल होते हैं, कूल होने की वजह से वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरह से पार्टिकल्स का गर्म होकर ऊपर जाना और नीचे आना, ये प्रोसेस चलती रहती है, इसी को बोलते हैं कन्वेक्शन। अब हम समझेंगे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या चीज़ है। इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम को देखेंगे। ये डायग्राम है, कोस्टल एरियाज के डायग्राम है दोनों। यहाँ पे ये सी वाटर है और ये लैंड है। तो ये क्या लिखा हुआ है, डे टाइम। दिन में क्या होता है कि लैंड धूप बहुत तेज होती है दिन में, तो लैंड की जो एयर है वो गर्म हो जाती है इससे ज़्यादा, मतलब गर्म तो यहाँ की भी होती है, जो सी वाटर है उसकी भी एयर गर्म होती है, लैंड की भी एयर गर्म होती है, लेकिन लैंड की ज़्यादा गर्म होती है। और जब लैंड की एयर गर्म हो जाती है तो ये ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ हॉट होती है, गर्म होती है, तो उसका वेट हल्का हो जाता है और वो ऊपर की तरफ जाती है। तो एयर ऊपर की तरफ गई, अब नीचे स्पेस खाली हो गया। ये स्पेस फिल करने के लिए क्या होता है, सी की जो वेव्स हैं वो यहाँ पे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती हैं, इसको बोलते हैं सी ब्रीज। समझ में आया, एक बार और समझ लो। दिन में लैंड जो है वो ज़्यादा गर्म होता है, उसकी वजह से लैंड के ऊपर जो एयर है वो ऊपर की तरफ जाती है, और यहाँ पे जो स्पेस खाली होता है वो सी की जो एयर है जिसको हम ब्रीज बोलते हैं वो यहाँ का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है, और इसको बोलते हैं सी ब्रीज। ये एयर क्या होती है, कूल, ठीक है। इसका अपोजिट होता है नाइट में। नाइट में देखो, ये सी है, सी वाटर, एंड ये लैंड। लैंड नाइट में जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन सी वाटर के ऊपर की जो एयर है वो बहुत देर से कूल होती है।
इसलिए क्या होता है, ये हॉट है तो इसके पार्टिकल्स एयर के ऊपर जाएंगे और यहाँ का स्पेस खाली हो जाएगा। अब यहाँ का स्पेस कौन ऑक्यूपाई करेगा? लैंड ब्रीज, लैंड से जो एयर आ रही है कूल एयर, वो यहाँ का स्पेस कवर कर लेगी। इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। इसके बाद ये डायग्राम बना के दिखाया गया, सिंपल डायग्राम एरो से। ये लैंड से कूल एयर कहाँ जा रही, सॉरी एयर जो कूल एयर वाटर से लैंड की तरफ जा रही है और हॉट एयर लैंड से वाटर की तरफ जा रही है, ये डे टाइम में। नाइट में क्या होता है? नाइट में कूल एयर,